आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 1 बजे नितिन गडकरी और केपी मौर्य अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके अलावा GIC मैदान में 84 कोसी परिक्रमा पथ और रिंग रोड का शिलान्यास करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जिसके बाद नितिन गडकरी और केपी मौर्य अयोध्या में बस्ती के मखौड़ा धाम के लिए रवाना हो जाएंगे और सूबे के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और DGP मुकुल गोयल भी आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे। मुख्य सचिव और DGP यहां रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, साथ ही राम मंदिर निर्माण का प्रगति का जायजा भी लेंगे। बता दें कि मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, आज कौन कौन से दिग्गज नेता अयोध्या की धरती पर मौजूद रहने वाले हैं? तो बता दें कि 1 बजे जो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। 1 बजे उनका कार्यक्रम जो है वो राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी ये दर्शन करेंगे। 1 बजे से 2 बजे तक, 2:15 तक ये हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। उसके बाद ये सीधे वहां से निकलेंगे ये GIC ग्राउंड पे, जो कि जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा संबोधित करने के बाद ये 3:30 पर ये मखौड़ा बस्ती के लिए रवाना होंगे। और आपको बता दें कि सूबे के मुख्य सचिव हैं और DGP है मुकुल गोयल है, ये भी इनका भी आज अयोध्या दौरा है, तो जिसमें ये हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद ये सीधे वहां से राम जन्मभूमि की जो निर्माण समिति है उससे उसके साथ में बैठक करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगतिशील क्या क्या कार्यक्रम वहां चल रहा है, क्या कैसे काम हो रहा है, तो इसको लेकर के सारी जानकारी वो लेंगे जी। और क्या कुछ जानकारी, कौन कौन सी सौगात दे सकते हैं आज ये दिग्गज नेता? बिल्कुल, अगर बात की जाए नितिन गडकरी जी की, तो नितिन गडकरी जो है 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 5,700 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं जी यहाँ पर। तो जब आज जनता को संबोधित करेंगे, चाहे वो नितिन गडकरी हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, तो क्या कुछ कह सकते हैं? क्योंकि रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, तो उसके बाद राम मंदिर की बात तो जरूरी रहेगी इनके संबोधन में, चुनावी माहौल है, और क्या कुछ कह सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सौगात देने की, तो 5,700 करोड़ रुपए की तो सौगात दे ही रहे हैं। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए BJP जो है अपना कार्यक्षेत्र जो है बढ़ाई हुई है, यहाँ पे जनता को संबोधित करेगी, तो उनको लेकर के चुनावी माहौल जो है वो अपना BJP एक बार फिर यहाँ से तय करना शुरू कर देगी जी। जिस तरह से नितिन गडकरी और KP शर्मा, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे, उसके बाद वो बस्ती के लिए रवाना होंगे, बस्ती में क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? देखिए, बस्ती में इनका संभावित कार्यक्रम पहले से ही बना हुआ है, जो कि बस्ती में ये मखौड़ा धाम है, मखौड़ा धाम पे भी ये जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां की कार्यकर्ताओं से, नेताओं से और अधिकारियों के साथ बैठक कर और वहां जायजा लेंगे जी। अगर बात करें राहुल, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की, तो वो पहली बार अपने पद पे आने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, दर्शन करेंगे, क्या उनके कुछ और खास कार्यक्रम भी है? देखिए, मुख्य सचिव की अगर बात की जाए तो ये केवल आधिकारिक पुष्टि इसलिए हुई है कि आज जब से ये पहली बार ये मुख्य सचिव बने जब यहाँ पे, तो उसके बाद पहला अयोध्या दौरा है इनका, तो इसको लेकर के अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए ये वहां के कार्यों का जायजा लेंगे कि किस तरीके यहाँ पे कार्य हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ये जायजा लेंगे, चूंकि इनके साथ में DGP है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़े थे। तो मुख्य सचिव और DGP भी अयोध्या जाएंगे, आज रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे सभी दिग्गज नेता। आपको बता दें कि नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे आज अयोध्या में। उसके बाद दोनों बस्ती के दौरे पर भी जाएंगे, जहां पे वो कई सौगातें देते हुए नजर आएंगे।
उत्तर प्रदेश में एक तरफ चुनावी माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना भी लगातार अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। सूबे में बीते 24 घंटे में 2038 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं सबसे ज्यादा 511 नए मरीज गौतम बुद्ध नगर में सामने आए हैं। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहां भी 288 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 5158 पहुंच गई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे कोविड प्रबंधन के संबंध में बैठक करेंगे। तो कोविड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी में बात करें तो यूपी में भी कोविड के केसेस काफी बढ़ गए हैं और कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं, कई सख्त निर्देश दे रहे हैं, कई निर्णय ले रहे हैं और इसी के चलते आज भी दोपहर 2 बजे कोविड प्रबंधन के संबंध में बैठक करेंगे। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगह से जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं प्रदेश में। अलग अलग जिलों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो कोरोना के ग्राफ हैं वो बढ़ रहे हैं। तो 24 घंटे में 2038 नए कोरोना मरीज मिले हैं यूपी में और सबसे ज्यादा मामले गौतम बुद्ध नगर से सामने आए, जहां 511 नए कोरोना मरीज सिर्फ 24 घंटे में मिले हैं। लखनऊ में 288, गाजियाबाद में 255 नए मरीज मिले हैं, मेरठ में 110, वाराणसी में 97 कोरोना केस सामने आए हैं। तो कोरोना की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है और जिस तरह से हमने दो लहरें देखी है तो उसको देखने के बाद हर व्यक्ति को जागरूक हो जाना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि हम कोरोना से किस तरह बचाव करें। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी डराने वाली है, क्योंकि लोगों की लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ सकती है। हालांकि देश अब वैक्सीनेशन की तरफ तेजी से बढ़ चुका है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो गए हैं, लेकिन जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। तो कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी जो विशेषज्ञ हैं वो चाहे WHO हो या कोई भी हो, तो सभी ये चेता रहे कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के मामले खतरनाक साबित हो सकते हैं और इससे सावधान रहना ही जरूरी है। और जो सबसे अहम चीज है वो है सावधानी, यानी हमें मास्क लगा के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है यूपी में, सूबे में अब 2038 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, तो 2000 एक बड़ा आंकड़ा है, क्या कहेंगे इस पे? जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की रफ्तार है वो एकदम अपनी गति उसकी बढ़ चुकी है। अगर ताजा मामलों की बात करें तो 2000 से ऊपर मामला 24 घंटे में आया है। वहीं अगर टोटल एक्टिव मामले की बात करें तो 5158 मामले हैं। और वही अगर 4 दिन की बात करें तो 4 दिन में 4154 नए मामले जो है वो 4 दिनों में आए हैं। और अगर बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का 3 जिला है जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ, ये फिर से एक बार एपिसेंटर बनते हुए दिख रहा है और गाजियाबाद में अब तक सबसे ज्यादा मामले आए हैं। वही आपको बताना चाहेंगे कि अब तक यूपी के जो 75 जिले हैं उसमें 61 जिलों में अब तक कोरोना पहुंच चुका है, कोरोना पॉजिटिव लोग मिल चुके हैं, कहीं संख्या ज्यादा है कहीं कम है। और आपको बताना चाहेंगे कि कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो कि अलीगढ़ में आता है, वहां के कुलपति समेत 18 लोग पॉजिटिव हो गए। और वही अगर लखनऊ के KGMU और मेदांता और आपके लोक की बात करें तो वहां के डॉक्टर समेत फार्मासिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन है, जो स्कूली प्रशासन है, जो मेडिकल प्रशासन है वहां का, वो जो वहां के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके क्लास को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया है और सभी की जांच की जा रही है। और जी अगर बात करें ओमिक्रॉन की तो उसके कितने मामले सामने आ चुके हैं राजधानी में? जी आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर में 23 मामले हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा मामला ओमिक्रॉन का लखनऊ में है। लखनऊ में अब तक 8 मामले आ चुके हैं और ये प्रदेश भर में सबसे ज्यादा है।
और देखना ये होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है ये कोविड के साथ साथ जो नया वेरिएंट ओमिक्रोन है इससे कैसे निपटता है। आपको बताना चाहेंगे कि अब तक 13 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर में दोनों डोज लगा दिया गया है वैक्सीन की, और वही अगर बात करें पहली डोज की तो माफ करिएगा जी, पहली डोज जो है ये 13 करोड़ लोगों को अब तक पहली डोज लगा दी गई है और 7.5 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगा दी गई है। जी जी, तो आखिर कहाँ पे कमी रह गई है विभांशु, जो एकदम से फिर से जो मामले हैं कोरोना के वो बढ़ने लगे, क्योंकि बीच में हम देख रहे थे सिर्फ 3 मामले 4 मामले आ रहे थे और एकदम से पूरे प्रदेश में 2000 से ज्यादा मामले सामने आना, ये नए साल की वजह से है या फिर चुनाव की वजह से? जी, नए साल और क्रिसमस में सभी लोग बाहर जाते हैं और आपने देखा कि सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू भी लगाए गए थे और गाइडलाइन भी जारी की गई थी जिसमें साफ लोगों ने उसका उल्लंघन किया, कोई मास्क लगा के आज भी नहीं दिख रहा है, लापरवाही लोगों के अंदर पूरी तरह से दिख रही है, इसका भी असर कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो चुनावी रैलियों में लोगों का जमावड़ा लग रहा है, चाहे कोई भी दल हो, चाहे किसी का मैराथन हो, चाहे किसी की बस संवाद यात्रा हो, चाहे किसी की विकास यात्रा, हर एक राजनीतिक दलों के द्वारा जो जमावड़ा लगाया जा रहा है उसका खास तौर पे अब देख रहे हैं कि क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों के अंदर। 2000 मामले जो 24 घंटे में आए हैं इसकी अभी हर दिन लखनऊ के अंदर में अगर बात की जाए तो हर दिन यहाँ हजारों की तादाद में टेस्ट किया जा रहा है और खास तौर पे मुश्किल का सामना तब होगा जब ये वायरस फिर से गांव की तरफ रुख ले लेगा, और गांव अभी भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ही लचर स्थिति में है। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी बेहतर करने की जरूरत है क्योंकि कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से शायद हमारा स्वास्थ्य सुविधा सतर्क नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं है, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जरूरत है और आम जन को जागरूक होने की भी जरूरत है क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।